जो दर्द मुझे तकरीबन पिछले एक महीने से हो रहा था, वो बस उस एक रेकी के सेशन से मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से तो कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 30 दिनों से दवाइयाँ खा रही थी कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, बट मेरा दर्द नहीं ठीक हो रहा था। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है, पर रेकी के थ्रू मैं ठीक हो गई। सो हेलो नमस्ते, मेरे साथ में है प्रज्ञा जी जो रेकी मास्टर हैं और सोशल वर्क काउंसलर भी हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है इनके साथ में। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। तो स्वागत करते हैं प्रज्ञा जी का। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए कि मेरे थ्रू या जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है रेकी के बारे में, हम रेकी के बारे में बता सकेंगे। जो उन्हें जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में उन्हें बता सकेंगे, चाहे रेकी ही हो और काउंसलिंग ही क्यों ना हो। तो दोनों के बारे में आज डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। प्रज्ञा जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप रेकी को एक्सप्लेन करेंगे, रेकी क्या है और ये कैसे काम करती है? जी, तो रेकी सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एक हीलिंग मेथड है जिसके थ्रू हम लोगों को हील करते हैं। इसमें हम जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे हील करते हैं। अब सुनने में तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि इस एनर्जी के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही है। पर ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमें दिख नहीं रही हो वो शायद होना। जैसा कि एक बार आप ही से मैं कुछ बात करी थी, आपने कहा था कि इंटरनेट को लेके दिखता नहीं है पर है, वैसे ही ये जो हीलिंग एनर्जी है, चाहे हम रेकी की बात करें या एनर्जी हीलिंग की बात करें, ये ऊर्जा दिखती नहीं है पर ये ऊर्जा है ज़रूर, और ये ऊर्जा काम भी करती है। राइट। तो रेकी में हम अपने हाथों के थ्रू जो एनर्जीज होती हैं उसको पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और उनको हील करते हैं। ये डॉक्टर मिकाउसुई जी ने तकरीबन 100 साल पहले इस पद्धति को डिस्कवर किया था और आज हम उसको उसुई रेकी के नाम से जानते हैं। और मैंने इसी की दीक्षा ली है अपनी गुरु से, श्रीमती किरण दाते से, और उनके थ्रू ही मैं इस रेकी के दुनिया में आगे बढ़ रही हूँ और इस रेकी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम यही रेकी प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग तरीके की रेकी होती है, अलग अलग तरीके की तकनीक होती है, उनके नाम होते हैं, जैसे कि सुई रेकी जो मैंने आपको बताया वो, या जो हम करुणा रेकी की बात करते हैं वो। सो जैसा आपने बताया कि रेकी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेकर कार्य करते हैं, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो आप ट्रांसमिट करते हैं थ्रू योर हैंड्स। सो आप बताएंगे रेकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए किस प्रकार से हेल्प कर सकती है? रेकी हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, इन चार तरीकों से हेल्प करती है। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम रेकी की हीलिंग लेते हैं, क्योंकि ये जो 7 चक्र हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी व्यक्ति योगा करता है, मेडिटेशन करता है या एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की हीलिंग करता है, वो इन 7 चक्रों के बारे में जानता है और इनकी महत्वपूर्णता के बारे में भी जानता है। हमारे 7 चक्र हमारे बेस ऑफ द स्पाइन से चालू होते हैं। पहला चक्र जो है वो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, वहाँ से चालू होता है और ये हमारे 7वें चक्र तक जाता है जो कि हमारा सहस्रार चक्र है, वहाँ तक। ये चक्र रेकी में इस तरीके से काम करते हैं कि जब ये बैलेंस्ड रहते हैं तब हमें बहुत अच्छा फील होता है, और जब ये अनबैलेंस्ड होते हैं तो हमें शारीरिक या मानसिक कष्ट होते ही होते हैं। क्योंकि ये चक्र ना सिर्फ हमारे शरीर में एक पॉइंट के तौर पे काम करते हैं, पर ये हमारे शरीर से जुड़े हुए ऑर्गन से भी काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं थ्रोट चक्र की बात करूँ, तो ये हमारे थ्रोट चक्र से जुड़ा है और हमारे थ्रोट से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारे थायराइड से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये बैलेंस नहीं रहता है तो जनरली लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो हो सकता है आपको थायराइड ना हो या आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी रहे। तो इसी प्रकार से जो हमारे 7 चक्र हैं किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये बैलेंस्ड रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइट। तो रेकी हेल्प करती है उनको बैलेंस करने में? बिल्कुल, बहुत हेल्प करती है। और जैसे जैसे ये बैलेंस होते जाते हैं उतना ज़्यादा हम पॉजिटिव और पावरफुल फील करते जाते हैं, उतना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं रहती है और हमारे शरीर से बाहर निकलती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो कुंडलिनी है उसका जागरण होने लगता है और हम यूनिवर्स से बहुत ईजीली, आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके। सो आपको रेकी सीखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो नहीं कह सकूँगी मैं, कुछ ऐसी समस्या हुई कि जिस वजह से मुझे लगा, वैसे तो मैं तब रेकी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी,
तो इसकी शुरुआत हुई मेरे जीवन में, रेकी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई जब मैं स्कूल में थी। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, तो मैंने तकरीबन हर डॉक्टर को दिखा लिया, चाहे कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, पर मेरा जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरे स्कूल में मेरी काउंसलर थी एक, मैं जिनके पास गई, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर थी, डॉक्टर गीतांजलि झा, उन्होंने मुझे रेकी दी। जो दर्द मुझे तकरीबन पिछले एक महीने से हो रहा था, वो बस उस एक रेकी के सेशन से मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से तो कम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 30 दिनों से दवाइयाँ खा रही थी कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, बट मेरा दर्द नहीं ठीक हो रहा था। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है, पर रेकी के थ्रू मैं ठीक हो गई। उसके बाद मुझे एक और व्यक्ति मिले जिनका नाम है आनंद रेगे जी, जिन्होंने मुझे मेरे गुरु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनसे दीक्षा ली हुई है, और फिर मुझे अचानक से कुछ रुचि आई कि मुझे भी रेकी सीखनी है, तो मेरे मन में आया। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे रेकी सीखनी है, फिर वो मुझे मेरे गुरु तक लेके गए। तो कुछ इस तरीके की जर्नी रही है मेरी। और मेरे गुरु एक बात कहती हैं रेकी को लेके कि हम रेकी को कभी नहीं चुनते हैं, रेकी हमें चुनती है। तो ये नहीं कह सकती कि रेकी ने, मैंने जाके एक दिन डिसाइड किया कि आज चलो मैं रेकी सीखती हूँ। शायद रेकी ने कुछ बहुत सोच समझ के मुझे चुना। ना केवल मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, पर आज रेकी की दिव्य ऊर्जा से मैं दूसरों को भी हील कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको किसी बहुत बड़ी चीज़ से नवाजा है, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी रहती है। तो एक तरीके से कहूँ तो प्रेरणा तो नहीं रही जीवन में कभी इस चीज़ की, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो अनफोल्ड होते होते यहाँ तक मुझे लेके आई हैं। सो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से रेकी का अभ्यास कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति रेकी सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति रेकी कर सकता है। इसमें किसी व्यक्ति के जेंडर का या उसके एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग जो 3 साल का बच्चा होता है वो भी रेकी शुरू कर सकता है लेना, अपने सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर चालू कर सकता है। रेकी अलग अलग डिग्रीज़ में डिवाइडेड होती है, तो जो पहली डिग्री होती है वो सेल्फ हीलिंग की होती है। तो कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई किताब नहीं है रेकी कि आपने खोल के पढ़ ली। हमें रेकी के लिए दीक्षा लेनी होती है, जिसे कि हम इंग्लिश में अट्यूनमेंट कहते हैं। एक रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर से हमें दीक्षा लेनी होती है, क्योंकि हम कुछ चक्र ओपन करते हैं जब हम दीक्षा देते हैं, ताकि वो जो रेकी की एनर्जी है वो हमारे अंदर फ्लो करने लग जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि हम रेकी में यूनिवर्स की एनर्जी, जो सूर्य की ऊर्जा है, हम सूर्य की ऊर्जा से काम करते हैं। तो जब हम रेकी की दीक्षा देते हैं या जब भी हम रेकी की दीक्षा लेते हैं, तो हमारे अंदर हमारे गुरु कुछ चक्र ओपन करते हैं। जब वो चक्र ओपन होते हैं तो रेकी की एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने लगती है, और उस हिसाब से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक गुरु की ज़रूरत हमेशा रहेगी जब भी आप रेकी प्रैक्टिस करें। सो हम जानना चाहेंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब आपने रेकी को सीखा, रेकी प्रैक्टिस करने लगे, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरा जीवन तो पूरी तरीके से बदल गया है, मैं आपसे कहूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुझे इसमें कहना ज़रूरी है। मैं अपने जीवन को 2 भागों में बांट सकती हूँ, एक वो जीवन जो रेकी से पहले था, और एक अभी का मेरा जीवन है जिसमें रेकी की दिव्य ऊर्जा है। पहले का जीवन मैं सोचती हूँ अब इस समय बैठ के, तो मुझे लगता है मैंने वो जीवन कैसे जिया, उस जीवन में मैंने कैसी चीज़ों को सर्वाइव किया, या मैं कैसे अपनी मुश्किलों से बाहर निकली हूँ, या जो सी भी चीज़ें रहीं मेरे जीवन में। इस समय देखती हूँ तो बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि जीवन पूरा बदल चुका है। मेरी गुरु एक बात कहती थी शुरू से, कि जो मैंने हमेशा सुना उनको, जब उनके पास लोग दीक्षा लेने के लिए, हीलिंग लेने के लिए आते हैं, तो हमेशा कहती हैं कि रेकी जीवन बदल देती है। बहुत टाइम से तक सुनती रहती कि रेकी जीवन बदल देती है, ऐसा क्या होता है कि रेकी से जीवन बदल जाता है। पर आज जीवन में वो मेरे समय आ गया है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जीवन बदल गया है रेकी से। और आज मुझे उनकी बात बहुत सच लगती है। जीवन इतना पॉजिटिव हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि रेकी के आने से आपके जीवन में समस्याएं आना बंद हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा आती रहेंगी, पर आप में डील करने की कैपेबिलिटी हो जाती है उस चीज़ को लेके।
आपके अंदर वो समझ हो जाती है डील कर पाने की, और रेकी अपने आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। जैसे जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमें मालूम होता है कि ईश्वर है साथ में, वैसी रेकी की ऊर्जा है, वो हमेशा साथ रहती है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकाल देती है, नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देती है हमेशा। जैसे एक माँ एक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वैसी रेकी की जो एनर्जी है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलती है। तो सरल शब्दों में बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं शायद इस समय अपनी लाइफ बिना रेकी के तो इमेजिन नहीं कर सकती। यहीं पे हम पॉडकास्ट का एंड करते हैं। हम थैंक यू बोलेंगे प्रज्ञा जी को, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी दी, इतने सरल शब्दों में रेकी के बारे में समझाया, काउंसलिंग के बारे में समझाया और किस प्रकार से हेल्प कर सकता है हम लोग की। अपने आप में अमेजिंग था। आप अगर लास्ट में कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहो। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगी अभिनीत जी कि आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा लोगों को रेकी और काउंसलिंग के बारे में बता के, और कहीं ना कहीं जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाई हूँ लोगों के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बाउंड्री सेट करिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करिए, और जब भी आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है बेझिझक उसे सीख करिए। जिस भी तरीके की हेल्प आपके साथ सूट करती है उस तरीके की हेल्प आप लीजिए। वेरी गुड जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।